हेलो मध्य प्रदेश, नई सोच, नया अंदाज। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो से दिल को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीर निकल कर सामने आई है, जहां पिता की मौत के बाद गरीब बच्चे रोते बिलखते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। मामला मीडिया में आने के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा। पूरा मामला खजुराहो के विद्याधर तिराहे में स्थित यात्री प्रतीक्षालय का है, जहां कई महीनों से गरीब परिवार जो भीख मांगकर अपना पेट भरता था, उसकी बीमारी के चलते मृत्यु होने पर बच्चे उनके रोते बिलखते रहे, लेकिन मदद के लिए कोई भी नहीं आया। मामला मीडिया में आने के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद समाज सेवियों ने परिवार की मदद के लिए राशन दिया। बताया जा रहा है कि वह सांसद बीबी शर्मा ने इस परिवार की हर संभव मदद करने की बात की है। आज अभी हम लोगों ने देखा कि यह परिवार, इनके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, और ऐसी विपत्ति के समय पे हम लोगों ने इतनी जो मदद कर पाए हैं कि ताकि अभी हाल इनका काम चले और हम इसके बाद फिर इनसे आके मिलेंगे, क्योंकि प्रशासन से बात हुई है तो प्रशासन कह रहे इस प्रकार का कोई फंड नहीं है हमारे पास, लेकिन ये हम सब लोगों के सहयोग से जो भी हो पाया वो हम लोग अभी हम लोगों ने इनको 10 किलो आटा, 2-3 किलो दाल, 5 किलो राइस, तेल, मसाले, ये सब सामग्री इनको दे दी अभी 4-5 दिन को खाने। 2000 रुपये। राजू पूरी नाम का व्यक्ति यहाँ रह रहा था, कवाड़ का काम करते थे ये लोग। 5-6 महीना से ये यात्री प्रतीक्षालय जो अपना बना है, इसमें परिवार सहित रह रहा था। इसके साथ में उसकी पत्नी, 3 बच्चे। तो अभी मौके पर तो उसकी छोटी बच्ची है, पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक समझ में नहीं आ रहा है। छोटी बच्ची जो जानकारी दे रही है, उसने बताया कि कानपुर के रहने वाले हैं और 4-5-6 महीना से यहाँ रह रहा है, कबाड़ बीनने का काम करते थे। सर, तो क्या माना जाए किस प्रकार से ये इनकी डेथ हुई है? तो बच्ची ने जो जानकारी दी है कि बीमार थे और अभी एक दो 2:30 बजे करीब ख़त्म हो गए, तो अभी तो उनको पीएम के लिए ले जाया जा रहा है। सर, एक पर्यटन नगरी है और एक व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ बाहर से आके 4 महीने से रह रहा है, क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं होती? नहीं, देखिए क्या है कि ये कबाड़ का काम करते थे, है ना, और यहाँ रह रहे थे। अब भाई वो अचानक बीमार हो गया, इनके द्वारा किसी को जानकारी नहीं दी गई, है ना, तो इसी दौरान वो ख़त्म हो गया। क्या आर्थिक मदद प्रशासन द्वारा की जा रही है? हाँ, प्रशासन द्वारा मदद की जाएगी।